हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ 2020 विद स्पेशल एनक्लेक्स एमसीक्यू विद रैशनल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले शॉक और शॉक पे बनने वाले एमसीक्यू विद रैशनल। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट सेशन को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद बच्चा इस स्पेशल क्लास को पढ़ सके। तो शेयर इट एवरीवन राइट नाउ। ओके फाइन, आज के सेशन को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह कभी भी अपने जीवन का अगला अहम कदम, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कभी भी अपने जीवन का अगला अहम कदम या अगला प्लान किसी को ना बताएं, लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते बच्चों। और यही एक वो पॉलिसी है जो आपको पीस ऑफ माइंड रख सकती है अपनी लाइफ में। तो याद रखना, कभी भी अपने जीवन का अगला कदम या अगला अहम कदम या अगला प्लान किसी को ना बताएं, लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू विल फोकस ऑन योर गोल, नेवर एक्सप्लोर बिफोर गेटिंग रिजल्ट। जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले, तब तक अपने प्लान को सीक्रेट रखो और अपने प्लान पे वर्क करते रहे। जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया सलाम करेगी। वक्त लगता है, आइसोलेट होना पड़ता है, अपने लाइफ के बहुत सारे इंटरेस्ट से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोस्तों से दूरी बनानी पड़ती है, परिवार से कभी कभी दूर रहना पड़ता है। और जिस दिन रिजल्ट आता है तो उन दूरियों का सारा गिलवा सिकुआ पल भर में दूर हो जाता है, क्योंकि आप एक मिशन पे हो। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपने ठान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, ये आपका मिशन है, और इस मिशन पे सैक्रिफाइस करिएगा, अपने आप को डिस्कम्फर्ट से निकालिएगा, पैनिक सिचुएशंस में पुट करने की कोशिश करिएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा। वक्त लग सकता है बच्चों। ओके फाइन, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करने, और इस आज के स्पेशल शुभ अवसर पे आप सभी को विश्व हैप्पी दशहरा जेएनसी परिवार की तरफ से। आपका मंगल, आपका दिन, आपके आने वाला फ्यूचर खुशियों से भरा हो, यही दुआ भगवान से रहेगी। और आप जिंदगी में हमेशा प्रगति करें, खुश रहें, मां बाप की सेवा करें, मां बाप का आशीर्वाद बनाए रखें, और ऐसे ही हंसते हुए आगे बढ़िएगा बच्चों। ओके फाइन, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक होगा बच्चों, दैट इज अ शॉक, दैट इज अ शॉक। शॉर्टली पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि शॉक क्या है, टाइप्स ऑफ शॉक क्या है, या स्पेशल ड्रग ऑफ चॉइस पर पर्टिकुलर शॉक क्या होगी, उसके बाद मैं दे चुका इंपॉर्टेंट सेशन की और बच्चों एनक्लेक्स एमसीक्यू की दुनिया में ले चुका बच्चों। उससे पहले देखते शॉक। शॉक का सिंपल वे में यदि हम कहें तो बोल सकते हैं फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, दैट कंडीशन वी कैन से शॉक। शॉक का मतलब इज अ फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन। मतलब आपके बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं सप्लाई होना बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट कंडीशन वी कैन से शॉक। Understand everybody, that is the meaning of shock. Okay, fine.
अब बच्चों यदि हम बात करें टाइप ऑफ शॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत कुछ सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। हम टाइप्स ऑफ शॉक की बात करें तो मेनली शॉक जो है वो थ्री टाइप्स का पढ़ते बच्चों, मेनली हम थ्री टाइप्स का पढ़ते, जैसे सबसे पहले हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक में मेन जो कॉज होगा वो लैक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम होगा। अब फ्लूइड वॉल्यूम लैक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को डायरिया हो रहा है, पेशेंट को बर्न हो गया, पेशेंट ने डायुरेटिक ड्रग्स को ले लिया, पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया, तो वो जितने भी फैक्टर है वो क्या कॉज करेंगे बच्चों, हाइपोवोल्मिक शॉक। वेरी गुड मॉर्निंग नागेश। दूसरा देखिएगा कार्डियोजेनिक शॉक का रीजन होगा बच्चों डिफेक्ट इन कार्डियक पंप। मतलब कार्डियक पंप का काम करता वेंट्रिकल, और यदि वेंट्रिकल में डिफेक्ट है तो हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशियंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी, दैट कंडीशन वी कैन से कार्डियोजेनिक शॉक। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पहला मैंने हाइपोवोल्मिक बताया, दूसरा कार्डियोजेनिक बताया, और थर्ड वन होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। और याद रखना बदमाश बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक फर्दर थ्री टाइप्स का होता है, दैट इज अक्यूट एनाफाइलेटिक या एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक। एनाफाइलेटिक का कॉज एलर्जन सब्सटेंस होगा, न्यूरोजेनिक का कॉज नर्व इंपेयरमेंट होगा, सेप्टिक शॉक का कॉज बैक्टीरिया होगा। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। अब मैं एक एक इंपॉर्टेंट शॉक के बारे में शॉर्टली रिव्यू करता हूं, फिर आपसे पूछूंगा, आपको ले चलूंगा बच्चों एनक्लेक्स एमसीक्यू की दुनिया में। तब तक बेसिक को जानना जरूरी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना अपने लिए आसान हो। टाइप ऑफ शॉक में सबसे पहले बच्चों मैंने हाइपोवोल्मिक शॉक लिखा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको कभी कभी हम लोग कोल्ड शॉक बोलते हैं। हाइपोवोल्मिक को किस नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं? कोल्ड शॉक। शुक्रिया मिस्टर रशीद। दूसरा बच्चों, हाइपोवोल्मिक शॉक कैसे डेवलप होता है, एग्जैक्टली व्हाट द मैकेनिज्म। यहां पर देखिएगा, हाइपोवोल्मिक शॉक और कोल्ड शॉक में ड्यू टू इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी क्या हो सकता है? वॉमिटिंग हो सकता है। इटियोलॉजी क्या हो सकता है? यदि पेशेंट की वॉमिटिंग हुआ तो वॉल्यूम लॉस हुआ, यदि पेशेंट को डायरिया हुआ तो वॉल्यूम लॉस हुआ, यदि पेशेंट को बर्न हुआ तो वॉल्यूम लॉस हुआ। दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल दैट कैन कॉज। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहां पर ब्लीडिंग लिखा है, डायरिया लिखा है, वॉमिटिंग लिखा है, फ्लूड लॉस ड्यू टू बर्न लिखा है, इनकी वजह से पेशेंट के बॉडी में क्या होगा? फ्लूड लॉस होगा। जब फ्लूड लॉस होगा तो बॉडी के टिश्यूज को इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा That condition we can say hypovolemic shock. Do you understand everybody कि hypovolemic shock कैसे develop होता है? Thank you आशु चौधरी। मैंने clear लिखा कि etiology factor की वजह से fluid loss हुआ, fluid loss की वजह से inadequate tissue perfusion हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को hypovolemic shock develop हुआ बच्चों। एक बार my loving future nursing officer क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक इट एवरीबॉडी राइट नाउ। जो भी लगभग 600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीबॉडी। शुक्रिया दीपक परमार, खुश है बेटा। प्रीति, शुक्रिया बच्चा। ओके फाइन, दूसरे टाइप्स की ओर चलते हैं बच्चों, दैट वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मैंने तीन टाइप्स बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव में, तीनों इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में पहला टाइप मैंने यहां पर लिखा, ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में पहला टाइप लिखा हुआ है, दैट इज अ न्यूरोजेनिक शॉक। मैंने फर्स्ट टाइप आपको हाइपोवोल्मिक बताया,
दूसरा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में सबसे पहला है दैट इज अ न्यूरोजेनिक शॉक। और बताना चाहता हूं बच्चों, न्यूरोजेनिक में मैंने कहा था ड्यू टू इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी क्या होगा? यदि पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया है तो नर्व इंपेयरमेंट होगा, यदि पेशेंट को इमोशनल स्ट्रेस है, यदि पेशेंट ड्रग यूज करा जाए इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या पेशेंट को स्पाइनल इंजरी होगा, दीज ऑल आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज दैट कैन कॉज वी कैन से न्यूरोजेनिक शॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिंग एग्जाम में कि स्पाइनल एनेस्थेसिया, इमोशनल स्ट्रेस, ड्रग दैट इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल इंजरी, व्हाट कैन कॉज, व्हाट कैन कॉज, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? दैट वी कैन से न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। एक और खास बात ध्यान से देखिएगा, इन सब फैक्टर की वजह से क्या हुआ बच्चों? रैपिड वैसोडायलेशन हुआ, सब्सिक्वेंट ब्लड जो है वो पुल आउट होने लगा, और कहां पर? विथ इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या डेवलप हुआ बच्चों? न्यूरोजेनिक शॉक। पेशेंट को क्या डेवलप हुआ बच्चों? न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये मैंने क्लियर मेंशन किया है, शुक्रिया दीपक, ये क्लियर मेंशन किया है कि यदि न्यूरोजेनिक शॉक है तो कहीं की नर्व इंपेयरमेंट वाले फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट दिखा एनाफाइलेटिक, आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज। क्या क्वेश्चन बनेगा देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? एनाफाइलेटिक को हम कह सकते हैं टाइप वन एलर्जिक रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इवन एनाफाइलेटिक को कभी कभी एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों, याद रखना। और एग्जाम में पूछते कि कौन सी टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो आपको आंसर लिखना होगा टाइप वन। क्या आंसर लिखना होगा बच्चों? टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कैसे डेवलप होता देखिएगा, यहां पर इटियोलॉजिकल फैक्टर एलर्जन सब्सटेंस है, एलर्जन सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन और वैसोडायलेशन। इन एलर्जन सब्सटेंस की वजह से पेशेंट को मैसिव हिस्टामिन रिलीज होगा। जब मेसी विस्टामिन कहां से आएगा? मास्ट सेल से आएगा, और मास्ट सेल से कब आएगा? जब आईजीई सेंसिटाइज हो जाएगा, आईजीई सेंसिटाइज हो जाएगा, सब्सिक्वेंट कैन कॉज वैसोडाइलेशन, और दैट कंडीशन वी कैन से एनाफाइलेटिक शॉक। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एनाफाइलेटिक शॉक कौन सा टाइप्स ऑफ एक्यूट एनाफाइलेटिक, कौन सा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो क्लियर आपको पुट करना होगा कि दैट इज टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बच्चों, दैट वी कैन से एनाफाइलेटिक। नेक्स्ट थर्ड वन देखिएगा, सेप्टिक शॉक। देखिए एक एक टाइप को शॉर्टली डिस्क्राइब कर रहा हूं। सेप्टिक में मैंने लिखा ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में ग्राम नेगेटिव, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, कौन से बैक्टीरिया कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, हमें आंसर क्या लिखना? ग्राम नेगेटिव, हमें आंसर क्या लिखना? ग्राम नेगेटिव। जनरली ग्राम नेगेटिव आर रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन टू द बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, लीकेज ऑफ द प्लाज्मा इनटू द टिश्यू कैन कॉज हाइपोवोलेमिया, और दैट कंडीशन वी कैन से सेप्टिक शॉक। क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से लीकेज होगा प्लाज्मा टिश्यूज में, और आप पेशेंट को क्या होने लगे, जब प्लाज्मा टिश्यू में लीकेज होने लगेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा दैट कंडीशन वी कैन से हाइपोवोलेमिया। इस किसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्टिक शॉक। क्या बोलते हैं? सेप्टिक शॉक। तो यहां पर तीन टाइप्स मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव बताए, देन कार्डियोजेनिक, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में बता रखा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मैंने यहां पर हार्ट फेलियर लिखा हुआ बच्चों, एमआई लिखा हुआ है, कार्डियक टेम्पोनेट्स लिखा हुआ, ये कार्डियोजेनिक शॉक के कॉजेज है, कार्डियोजेनिक शॉक के कॉजेज है बच्चों। दूसरी खास बात, इन सब की वजह से पेशेंट का हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, और ब्लड को पंप नहीं करेगा तो बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो जाएगा, दैट अगेन वी कैन से कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। ओके फाइन, नेक्स्ट और खास बात बताता बच्चों, अब एग्जाम में कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा।
कि डोपामिन जो है प्रीफर्ड मैनेजमेंट ऑफ द शॉक बिकॉज हैव रीनल वैसोडायलेटर। इवन मैं बता दूं बच्चों, जब भी हम पेशेंट को डोपामिन दे रहे हैं तो डियर नर्स की जो प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगा, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। वो क्या होगा बच्चों, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। ये क्वेश्चन आके आ सकता है कि पेशेंट है उसको डोपामिन, और आपको अच्छे से पता है डोपामिन जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग है बच्चों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो दिस इज द डोपामिन प्रीफर्ड मैनेजमेंट ऑफ द शॉक बिकॉज हैव रीनल वैसोडायलेटरी इफेक्ट। तो ब्लड प्रेशर यहां पर डियरनेस की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इवन एंटी हिस्टामिन डाइफिनाइल हाइड्रामिन जिसको हम बेनाड्रिल बोलते हैं, ये हम कॉमनली एनाफाइलेटिक शॉक वाले पेशेंट को देंगे, क्योंकि एंटी हिस्टामिन का काम होता है टू रिलीज, टू रिड्यूस एंजाइटी, टू रिड्यूस एंजाइटी। देन एड्रेनलिन ड्रग ऑफ चॉइस, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक, आपको आंसर एड्रेनलिन लिखना बच्चों। आपने पढ़ा होगा एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, इवन आपने ये भी पढ़ा होगा एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनलिन यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों एनाफाइलेटिक शॉक का। एंटीबायोटिक आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट द सेप्टिक शॉक। देन बेस्ट पोजिशन इन अ शॉक या हाइपोलेमिक शॉक में पूछे हैं, तो आपको आंसर लिखना है दैट वी कैन से चेंडलेनबर्ग पोजिशन। हाइपोवोलेमिक शॉक यदि पेशेंट को होता है, और हाइपोवोलेमिक का रीजन क्या होता है, वीनस रिटर्न जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम पेशेंट को पोजिशन कौन सी देंगे बच्चों, चेंडलेनबर्ग। चेंडलेनबर्ग का मतलब ये जैसा बेड है, पेशेंट का हेड जो होगा वो तो होगा डाउन, हेड जो डाउन होगा और लेग जो होगा वो अप होगा, तो पेशेंट का वीनस रिटर्न जो है वो इजिली वापिस आ जाएगा। दैट वी कैन से बेस्ट पोजिशन, दैट वी कैन से बेस्ट पोजिशन फॉर शॉक। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे बच्चों को आंसर क्या लिखना है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके फाइन। एक यहां पर एम्स का फेवरेट एमसीक्यू, एक यहां पर एम्स का फेवरेट एमसीक्यू है शॉक में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, इवन इमेज बेस्ड एमसीक्यू। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को वो आंसर 100% पता हो। मैं इमेज को पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फाइंड आउट करिएगा फटाफट, फाइंड आउट करिएगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। मैंने इमेज पुट किया, मैंने इमेज पुट किया, इमेज को देख करके आपको तुरंत फाइंड आउट करना होगा। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये इमेज कौन सा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। मास्ट, बिल्कुल बच्चों, दैट इज अ मास्ट, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर या न्यूमेटिक एंटी शॉक गार्मेंट। हम शॉक पढ़ रहे, और ये एमसीक्यू तो बनता ही है, मास्ट, दैट इज अ मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर। याद रखना, इसको हम हेमरेजिक शॉक, जहां पर सीवियर ब्लड लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने में यूज करते हैं। ऐसे ट्राउजर को पहना दिया जाता है, फिर एयर पुश किया जाता है, जिससे प्रेशर पुट होता है, और प्रेशर पुट होने की वजह से ब्लड लॉस होगा वो रुक जाएगा, बच्चों गलत मत करना, ये 200% वो एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है। आई ट्राई टू पुट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर, द ट्राउजर विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद द हेमरेजिक शॉक। मतलब यदि पेशेंट को हेमरेजिक शॉक है, उसको ट्रीट करना है, तो हमें मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर को प्रीफर करना होगा। इट यूज टू ट्रीट, टू कंप्रेस लॉस ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। तो ये यहां तक तो था वो बेसिक पैरामीटर्स जिसके बारे में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। फाइनली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद मैं ले चलूंगा आपको एनक्लेक्स की दुनिया में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं शॉक से रिलेटेड बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ रैशनल। ओके फाइन, नेक्स्ट गुड न्यूज बच्चों, दशहरा के उपलक्ष्य में कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स का ऑफर चल रहा है, 14 टू 18 अक्टूबर तक चलेगा। प्राइस है 5999 बच्चों, 5999 प्राइस है, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है।
1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास, 4000 प्लस एमसीक्यू, साथ में ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट, इवन रीजनिंग, इवन मैथ्स, इवन इंग्लिश, इवन जीके, इमरजेंसी नर्सिंग, ओटी, आईसीयू, इमेज और वीडियो बेस्ड। मतलब सीधा कि कंप्लीट सिलेबस वन ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, जहां पर आप घर पे बैठ के अपना सपना पूरा कर सकते हो जेएनसी परिवार के साथ जुड़कर। ये थ्योरी कोर्स है, या यूनिट वाइज टेस्ट भी दिया हुआ है। यहां आप कोर्स परचेज करने के बाद फर्स्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट पूरा होने के बाद यूनिट टेस्ट देना है। इस तरीके से इस कोर्स की वैलिडिटी वन ईयर की आपके पास है, और मैं उम्मीद करता हूं वन ईयर एक सफिशियंट टाइम होता है किसी बच्चे को कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए। तो इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पर जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी के साथ लॉग इन करना है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सिलेक्ट करना है, या फिर आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फाइनली विल एंटर इनटू द एनक्लिक्स दुनिया। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कौन सा जो है वो रिस्क फैक्टर बच्चों हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, मेरा एमसीक्यू आपसे कि कौन सा जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का रिस्क फैक्टर है। शुक्रिया सुमन, शुक्रिया बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। मैंने कहा था आपको हाइपोवॉल्यूमिक का मतलब वो फैक्टर जो आपके बॉडी से वॉल्यूम को लॉस करता है। वो ब्लीडिंग हो सकता है, वो डायरिया, वोमिटिंग, बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लूड की कमी होगी और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, दैट कैन कॉज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ऑप्शन देखिएगा, हैमरेज, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, हैमरेज की वजह से हो सकता है क्या। अर्चना पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। बी में लिखा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सी में लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और डी में लिखा है वेसो डायलेशन। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझ के सही आंसर लिखने की कोशिश करना बच्चों, चार ऑप्शन आपके पास है, गलत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो ए लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट ए की तरफ भाग रहे हैं, और ये भी लगभग इन्होंने अश्योर कर लिया बच्चों ने कि हैमरेज जब होगा तो ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो उसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहेंगे। क्या बात है, शुक्रिया इकबाल, ए आपने पुट किया, आपका ए आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं, हैमरेज होगा, हैमरेज में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होगा तो क्या लॉस होगा बच्चों, वॉल्यूम लॉस होगा। वॉल्यूम लॉस होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्या कहेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहेंगे बच्चों। बिल्कुल आपका आंसर सही है। दूसरा यानी क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट अकर इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। अभी मैंने बताया था एनाफाइलेक्टिक, यदि पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और मैंने ये भी कहा था टाइप वन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहां पर डेवलप होगा, ये भी नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने कहा था बच्चों रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक शॉक, और मैंने कहा था सेप्टिक शॉक जो है उसकी कॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये भी बाहर हो गया, वेसो डायलेशन जो है ये प्राइमरी या इनिशियल फेज होता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यदि पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किसी को डेवलप होगा है तो इनिशियल जो फेज होता है वेसो डायलेशन होगा। तो आई थिंक आपको चारों ऑप्शन का रैशनल क्लियर हो गया। मैंने पहले हैमरेज लिखा, हैमरेज कैन कॉज लॉस ऑफ फ्लूड,
और जब फ्लूड लॉस होगा तो पेशेंट को हाइपोलेमिक शॉक होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मैंने कहा था ये एनाफाइलेटिक शॉक में डेवलप होता है, इसमें टाइप 1 हम पढ़ते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बच्चों, मैंने कहा था कि ये सेप्टिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बदमाश बच्चों, प्राइमरी और इनिशियल फेज जो है वैसोडाइलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का आंसर है। किसका है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का आंसर। ओके, शुक्रिया कविता कुमार, मेरा बच्चा शुक्रिया। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज इन शॉक। पेशेंट को शॉक है, पेशेंट को शॉक है, और शॉक को ट्रीट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या होगा इस शॉक को ट्रीट करने में? ऑप्शन देखिएगा, ए में लिखा हुआ है मैनेज फ्लूड ओवरलोड। हमेशा याद रखना, शॉक के अंदर फ्लूड ओवरलोड नहीं होता है, फ्लूड डेफिसिट होता है। फ्लूड क्या होता है बदमाश बच्चों? डेफिसिट होता है। तो ये तो यहां पर गलत हो गया, ओवरलोड को मैनेज नहीं करना, हमें फ्लूड डेफिसिट को मैनेज करना, हमें फ्लूड डेफिसिट को मैनेज करना। थैंक यू सुजिता। तो मैनेज फ्लूड ओवरलोड यहां पर कोई मतलब नहीं, हमें फ्लूड डेफिसिट को मैनेज करना है कि पेशेंट इज ऑन शॉक, पेशेंट इज ऑन शॉक। ओके फाइन। बी में लिखा मैनेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ध्यान से देखना, मैनेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और यहां पर क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज। कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज इन शॉक। सी में लिखा मैनेज इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, मतलब आपके टिश्यू में ब्लड का परफ्यूजन इन एडिक्वेट है, उसको एडिक्वेट करना होगा। डी में लिखा है मैनेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अरे बदमाश बच्चों, यहां पर तो वेसो डायलेशन मैनेज करना, यहां पर तो वेसो डायलेशन को मैनेज करना है, ना कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को मैनेज करना है। चारों ऑप्शन क्लियर, चारों रैशनल क्लियर। दिस इज द टाइम टू गिव राइट आंसर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या सही होगा? गोल पूछे, गोल पूछे बच्चों। शुक्रिया रोशन, गोल पूछे। गोल मतलब पेशेंट को शॉक है, इन्होंने किसी टाइप को मेंशन नहीं किया, टाइप को मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन लिखा कि शॉक को ट्रीट करते समय गोल क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए। शुक्रिया रोशन जमादार, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फ्लूड ओवरलोड की बात करें तो फ्लूड डेफिसिट था, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की बात करें तो डिक्रीज होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो वैसो डायलेशन होगा। अब इनएडिक्वेट को क्या करना है? एडिक्वेट। इनएडिक्वेट को क्या करना है? एडिक्वेट करना है। जो जो किसकी वजह से डेवलप हुआ, ये हेमरेज की वजह से डेवलप हो सकता है, डायरिया की वजह से डेवलप हो सकता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से डेवलप हो सकता है। क्या बात है बदमाश बच्चों, सुपर आंसर, सुपर आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जैसा आंसर आप दे रहे हो ना, दिस इज द इंडिकेटिंग यू हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस। बट बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैक पे हो, लगातार पढ़ रहे हो। और आज मैं एक बात और आपको बता देता हूं, एक गुड न्यूज आपको देने वाला हूं। नेक्स्ट वन वीक में क्या करने वाला हूं, वन वीक में क्या शेड्यूल होगा JINC जोधपुर का, वो आपको बताने वाला हूं। और एक जो JINC की टैगलाइन बन चुकी है उसके बारे में भी जिक्र करने वाला हूं। जल्दी इंफॉर्मेशन दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीक में, आप और हम मिलके क्या प्लान किया और क्या करने वाले बच्चों, लेटर आई विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असिस्मेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स, ध्यान से देखना बच्चों, इंडिकेट हाइपोवॉल्यूमिक इन ए क्लाइंट हु हैज 15% ब्लड लॉस। मजेदार एमसीक्यू बच्चों, ट्रिकी एमसीक्यू। शुक्रिया पूजा, ट्रिकी एमसीक्यू, शुक्रिया रीता। मैंने क्लियर लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असिस्मेंट फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इन ए क्लाइंट हु हैज हैड 15% ब्लड लॉस। 15% ब्लड लॉस पूछा बच्चों, और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगा, फाइंडिंग इंडिकेट करेगा। ए में लिखा हुआ है पल्स रेट लेस देन 60। क्या पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पल्स रेट कम होगा? हमेशा रखना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कैन कॉज टैकीकार्डिया। क्या होता है बच्चों? टैकीकार्डिया होता है, और टैकीकार्डिया का मतलब पेशेंट की पल्स रेट जो है वो 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होगा। तो ए आंसर तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है।
बी में लिखा हुआ देखिएगा, रेस्पिरेटरी रेट 4 ब्रीथ पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट जो है 4 ब्रीथ पर मिनट लिखा हुआ है, 4 ब्रीथ पर मिनट रखा हुआ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन सी में लिखा है प्यूपिलरी अनइक्वल डायलेटेड, प्यूपिलरी जो है वो डायलेट हुआ है बट अनइक्वल डायलेटेड है। देन डी में लिखा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm of Hg, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm of Hg। मैंने क्या पूछा है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक का, हाइपोवोल्यूमिक शॉक का इंडिकेटर पूछा है बदमाश बच्चों, थैंक यू शुभम मेडिसिटी, इंडिकेटर पूछा है, गलत आंसर मत पुट करना, गलत आंसर मत पुट करना बच्चों। क्या है कि पेशेंट का 15% ब्लड लॉस हुआ है, वॉल्यूम कम है, चारों में से कौन सा सिम्टम इंडिकेट करेगा कि पेशेंट का वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम कम, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैंने ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर दिया, 60 बीट नहीं होगा रेस्पिरेशन अफेक्ट या नहीं होगा, प्यूपिलरी अनइक्वल यहां पर नहीं होगा, और पेशेंट को क्या होता है हाइपोटेंशन, पेशेंट को क्या होता है हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन का मतलब आपका ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाएगा। तो आप सभी का जो आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑसम ऑसम बच्चों, है ना, क्वेश्चन आसान हो सकता है, आसान तभी होगा ना जब आपने पढ़ा हो, आपको नॉलेज हो। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे वो कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, और जिन्होंने लगातार JNC के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हर क्लास को अटेंड किया है वो कहेगा इट्स यस आई कैन डू, मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। और कॉम्पिटिशन में भी यही होता है, जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 25% वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए फॉर्म भरा या घर वालों के प्रेशर में फॉर्म भरा और अपने मन की संतुष्टि के लिए एग्जाम देने चले गए। याद रखना 25%, तो 25% वो बच्चे जो अपने मन को खुश करने के लिए या फॉर्मल डिग्री एग्जाम देते हैं, रिमेनिंग जो 25% इसमें रहेंगे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव स्टडी को अच्छे से नहीं किया होगा, देन रिमेनिंग 25% जो होगा जिन्होंने सेल्फ स्टडी या अपने लेवल पे बेस्ट किया होगा, और असली कॉम्पिटिटर जो है वो 25% होते हैं रिमेनिंग, जिन्होंने एक एक टर्म्स को बारीकी से पढ़ा है। तो अभी JNC के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो बच्चे पढ़ रहे ना, आपका कॉम्पिटिशन इन 25% से, आपका कॉम्पिटिशन इन 25% से, बिल्कुल नहीं पढ़ने में आप नहीं आते हो, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी की स्टडी नहीं की है, आपने ऑलमोस्ट सिलेबस पढ़ लिया है, अब आपका कंपटीशन 25% से। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने लिखा है कि 1,00,000 फॉर्म आए हैं, तो 75,000 को डिलीट कर दो, हमारा कंपटीशन 25,000 से, और 25,000 में हमें एक सीट चाहिए। दैट वे टू मेक कॉन्फिडेंस, ये रियलिटी है, इट्स रियलिटी। इवन मैं बता दूं इसमें से जो 25% मैंने शुरू के बताए आधे तो एग्जाम देने ही नहीं जा रहे, तो और बाहर हो जाएंगे। हमारा कंपटीशन सब 25% से, जो रियली स्टूडियट होते बहुत अच्छा पढ़ के आते बारीकी से स्टडी करते, इनको क्रैक करना है बच्चों, और वन डे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, वन डे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ बच्चों। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। एक अगेन इंफॉर्मेशन, जो बच्चे नॉर्सेट का एग्जाम देना चाह रहे, जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो और चाहते कि मैं अपने आप को और परफेक्ट बनाऊं, एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करूं और 100% मुझे यदि सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चों थ्योरी के साथ कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000+ MCQ यदि हमें पढ़ना होगा, तो उसके लिए हमारे पास JNC का MCQ विद थ्योरी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 500 hours+ की रिकॉर्डेड क्लास है, डेली 3 to 7 PM को लाइव क्लास होता है JNC जोधपुर के ऐप पे,
कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है और प्राइस 3999 है। ऑफर ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर तक था बट इसको एक्सटेंड करके 16 तक कर दिया बच्चों, 16 तक कर दिया है। प्लस जिन्होंने जेएनसी का ऑनलाइन बैच पढ़ रखा उसका प्राइस 2999 है, जिन्होंने ऑफलाइन बैच पूरा पढ़ रखा उसका प्राइस 2499 है। इट्स अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट। ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। आप या फिर 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द बेस्ट, ध्यान देखना बच्चों, बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर क्लाइंट विद द हाइपोवोलेमिक शॉक। एक पेशेंट था उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, फ्लूड को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद में कौन सा इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो ट्रीटमेंट किया वो इफेक्टिव था। मजेदार एमसीक्यू, आसान एमसीक्यू। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट इन द हाइपोवोलेमिक शॉक इज एडिक्वेट। ऑप्शन देखिएगा, यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml, मतलब यूरिन आउटपुट पेशेंट का 30 ml पर आवर से ज्यादा है तो इंडिकेट करेगा कि जो आपने फ्लूड को रिप्लेसमेंट किया, जो आपने फ्लूड को रिप्लेसमेंट किया दैट मींस आपने इफेक्टिव रिजल्ट दिया। भीम लिखा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 110, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ज्यादा गया तो हमें इंडिकेट करेगा। देन सीम लिखा हुआ है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90, और डीम लिखा है रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रीथ पर मिनट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान एमसीक्यू है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, पेशेंट के लिए पूछा मैंने बेस्ट इंडिकेशन टू इंडिकेट फ्लूड रिप्लेसमेंट, पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक था, हाइपोवोलेमिक शॉक था। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा है सही आंसर। कि नॉर्मली यदि हम देखें, नॉर्मली देखें तो जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट है वो मोर देन 30 ml पर आवर होता है, और जब पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है क्योंकि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। शुक्रिया कादंबरी रावल, शुक्रिया बच्चा। डेफिनेटली इवन मैं तो कहता हूं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का यूरिन आउटपुट यदि 30 ml से कम है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। तो 30 ml से ज्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ गया मतलब बढ़िया वॉल्यूम आपके हार्ट को मिल रहा है और हार्ट भी किडनी को दे रहा है, किडनी अच्छे से फिल्टर कर रही है, इसका मतलब पेशेंट रिकवर हो रहा है, पेशेंट रिकवर हो रहा है बच्चों। बी में लिखा, देखिए बी और सी गलत, बी गलत नहीं है, बी रॉन्ग नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा ये वर्ड देखिए बच्चों, ये वर्ड देखिए। कुछ बच्चे बी पूछे, मैं बी को गलत नहीं बोल रहा, हमेशा हमें फिल्टर करना होता है। क्वेश्चन क्या का, बेस्ट इंडिकेटर टू इंडिकेट और फ्लूड रिप्लेसमेंट, मतलब फ्लूड कम था और फ्लूड डाला तो आउटपुट बढ़ा, पहले फ्लूड कम था तो आउटपुट कम था, तो ये बेस्ट इंडिकेटर की ये ब्लड में जाकर के किडनी से होता हुआ बाहर आ रहा है, दैट वी कैन से बेस्ट, दैट वी कैन से बेस्ट। अरे ब्रिजेश, मैं कह रहा हूं ब्रिजेश पटेल, ब्लड प्रेशर भी सही है, आपका दिमाग का, दिमाग से पैदल तो नहीं बेटा, दिमाग कहां है, ये वर्ड कहां है, बेस्ट इंडिकेटर टू इंडिकेट। बेस्ट का मतलब इन सभी सही में से एक वो फाइंड आउट करना है जो हमें से अच्छा बेस्ट एग्जैक्ट रिजल्ट दे बच्चों। अब तो समझ में आया ना बच्चों, शुक्रिया शिवानी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा और आपका आंसर ऑलमोस्ट बच्चों ने सही पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द क्लाइंट इन अ शॉक हु रिसीविंग आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द पैक्ड आरबीसी एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अरे शुभांशु शर्मा, दिमाग से पैदल मत बनो बेटा। Which is the priority assessment for the client is a shock who is receiving IV infusion? मतलब पेशेंट को
आईवी क्या इन्फ्यूज कर रहे हैं, हम रेड ब्लड सेल को इन्फ्यूज कर रहे हैं आरबीसी को, और उसके साथ हम नॉर्मल स्लाइन को भी पुट करें। तो इस पेशेंट के लिए सबसे प्रायोरिटी क्या होगा, क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने क्लियर मेंशन किया है कि प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, विच इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द क्लाइंट इन अ शॉक हु इज रिसीविंग आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द पैक्ड रेड ब्लड सेल एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ऑप्शन आपके सामने, फ्लूइड बैलेंस होगा, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगा, पेन होगा, या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस होगा। कोई आंसर पुट करेगा सही क्या होगा, सही क्या होगा, बेस्ट प्रायोरिटी चारों में से किसको देंगे, आरबीसी ट्रांसफ्यूज करें मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूज करें मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर। शुक्रिया निशा गुप्ता, ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा, दिस इज एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं इनिशियल फेज में एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि द क्लाइंट हु डज नॉट रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू द फ्लूइड रिप्लेसमेंट हैज एन ऑर्डर फॉर द आईवी इन्फ्यूजन ऑफ डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट टू डिटरमाइन दैट द ड्रग हैविंग द डिजायर इफेक्ट द नर्स शुड असिस्ट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था टॉपिक, तब मैंने ड्रग्स के बारे में पढ़ाया था, मैंने कहा था कि पेशेंट को, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फ्लूइड पे, उसको हम क्या दे रहे हैं, डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड दे रहे हैं, और डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड जब दे रहे हैं तो डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, शुक्रिया रघुवीर, डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, ऑप्शन में लिखा होगा क्या, इंक्रीज रीनल एंड मिसेंट्रिक ब्लड फ्लो, बी में लिखा इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, सी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डी में लिखा रिड्यूस प्री लोड एंड आफ्टर लोड। बच्चों प्री लोड एंड आफ्टर लोड, फटाफट आंसर पुट करेगा, डोपामिन दे रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा, पहली बात तो डोपामिन मैंने कहा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग है बच्चों, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग है बच्चों। अब आपको आंसर पुट करना है, अब आपको आंसर पुट करना है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, दैट इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वॉल्यूम बढ़ाएगा टूवर्ड्स योर हार्ट, हार्ट में बढ़ेगा तो किडनी में बढ़ेगा, किडनी में बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, आउटपुट बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट बच्चों गुड न्यूज देख लीजिएगा, जो बच्चे यूपी एनएचएम की वैकेंसी के लिए कोर्स की डिमांड करे थे, आपकी जेएनसी ने कंप्लीट तैयार कर दिया है यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स अवेलेबल कर दिया है, 1500 रुपए इसका प्राइस है, 25 अक्टूबर तक का ऑफर है बच्चों, और कंप्लीट यूपी एनएचएम जहां पर 2445 पोस्ट का ये एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कंप्लीट सिलेबस जेएनसी जोधपुर ने अवेलेबल कर दिया है, और इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करें, या फिर आप 9636032 69 मेन पे फोन पे और पेटीएम करके इसको परचेज कर सकते हो बच्चों। मैंने क्लियर मेंशन किया यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी का स्पेशल कोर्स जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इस कोर्स को परचेज करके आप अपने सपनों को 4 चांद लगा सकते हो बच्चों। अब फाइनली मैंने कहा था ना एक गुड न्यूज आपको देने वाला हूं, और गुड न्यूज यह है कि नीमंस बेंगलुरु याद रखिएगा बच्चों, नीमंस बेंगलुरु की एग्जाम डेट आ गई है, और एग्जाम जो डेट आई है वो 24 अक्टूबर आई है बच्चों। तो 24 अक्टूबर से पहले क्या करने वाला आपका जेएनसी जोधपुर, आपका जेएनसी जोधपुर कल सुबह 10:30 बजे नीमंस शोर सिलेक्शन क्लास स्टार्ट कर रहा है, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 को तो नीमंस शोर सिलेक्शन क्लास चलेगी, और 21, 22 और 23 को चलेगी बच्चों टाइगर क्लास। यूपी पीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चों को पता है कि टाइगर क्लास की वैल्यू क्या, और एक बार फिर नीमंस के लिए टाइगर क्लास लेके आ रहे हैं आपका अपना जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर। तो तैयार रहिएगा, शेड्यूल बिल्कुल प्रकाशित, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 को रहेगा नीमंस शोर सिलेक्शन क्लास सुबह 10:30 बजे, और 22 और 23 तारीख को
टाइगर क्लास फर्स्ट और टाइगर क्लास सेकंड में नीमंस बैंगलोर के सिलेक्शन की पूरी तैयारी करेंगे जमकर बच्चों। तो ये कल से शुरू हो रहा है, बता दीजिएगा अपने सारे डियरस्ट और नियरस्ट को कि JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया है नीमंस बेंगलुरु श्योर सिलेक्शन क्लास ठीक सुबह 10:30 से। इट्स ए ग्लैड ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और टाइगर क्लास जिसने UPPSC की पढ़ा वो बच्चा बेहतरीन जानता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइगर क्लास। और JINC जोधपुर कल से स्पेशल श्योर सिलेक्शन के बाद लास्ट में 2 दिन टाइगर क्लास के साथ आपको पुट करेगा बेस्ट कंटेंट। तो तैयार हो जाएगा कल सुबह ठीक 10:30। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का रेस्पेक्ट करेगा, बड़ों का आदर करेगा। जल्दी मिलूंगा एक नई एनर्जी के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।